नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि चीकू के खिलाफ लगातार प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और जन्मदिन की पार्टी में चीकू को गायब कर दिया गया है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मीत हुड्डा बहुत ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है और मनमीत भी, क्योंकि मनमीत ने सोचा भी नहीं था कि उसका बड़ा भाई इस समय चीकू को गायब करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि करीना मैडम ने बोल दिया है कि अगर तुमने उस बच्चे को नहीं दिया मीत हुड्डा से लेकर मुझे, तो सोच लेना कि मैं तो सस्पेंड होंगी लेकिन तुम्हारा सपना भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि इस समय शहर का सबसे बड़ा मंत्री ने बोला है कि चीकू किसी भी कीमत पर किसी भी तरीका से चाहिए ही चाहिए, इसीलिए ही अब वो मैडम लगातार अपना प्लानिंग तहत कर रही है। क्योंकि दोस्तों चीकू को फाइनली गायब करवा दिया है। आप लोग जानते हैं कि इस समय सभी लोग कन्फ्यूजन की और कसमकस की स्थिति में नज़र आ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी घर वाले कहीं ना कहीं परेशान भी नजर आ रहे हैं कि आखिरकार चीकू गया तो गया कहाँ, क्योंकि चीकू पर लगातार सभी की निगाहें बनी हुई थी लेकिन किसी ने सोचा नहीं होगा कि चीकू के साथ में कुछ इस तरीका से भी हो सकता है। लेकिन इस बात जो हुआ है चीकू के साथ में, ये वाकई में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक बार फिर से नए ट्विस्ट के साथ में फिर से अगेन वापसी करने जा रही है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर बात की जाए इस समय की, तो सभी लोगों को पता है कि मीत हुड्डा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मीत हुड्डा बोलते हुए नज़र आने वाली है कि जो हो रहा है उसे मैं इतनी जल्दी इतनी आसानी से किसी को अपने बेटे को देने ही नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और दोस्तों ये एक रियलिटी है कि मीत हुड्डा जब अपनी सी पाती हैं तो जब चाहे जिसकी चाहे उसकी बैंड बजाने में भी समर्थक रखती हैं दोस्तों। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब